हरे कृष्ण राधे राधे। आज हमारे परिक्रमा का 12वां दिन है और हम जा रहे हैं आज राधे 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 तो ये देखिए, ये है हमारे गोपीनाथ जी जो हमारे साथ साथ ही चल रहे। तो आज हमारा 12वां दिन है और आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ से केदारनाथ और केदारनाथ से हम जाएंगे कामुबन। तो चलिए चलते हैं। यहाँ सारे भक्त को आप देख सकते हैं जो कि हमारे साथ से जा रहे हैं और चारों तरफ बस जमीन ही जमीन है। वृंदावन धाम की जय हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की जय हो। राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम खेत के अंदर से होते हुए सिंगल लाइन होते हुए हम सारे भक्त जा रहे हैं केदारनाथ धाम। तो यहाँ पीछे भी कितने भक्त आ रहे हैं हमारे और आगे भी कितने भक्त जा रहे हैं दूर। तो यहाँ अभी तक का हमारा 12 किलोमीटर परिक्रमा हमने कंप्लीट कर लिया है। परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुँचने ही वाले हैं, कुछ ही दूर में है केदारनाथ। तो धूल बहुत ही ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा सारे भक्त ही थक गए हैं, क्योंकि आज एकादशी भी है और बहुत ज़्यादा चलना भी है। तो निर्जला एकादशी के कारण हम थोड़ा सा थक गए हैं। अभी यहाँ पर हमने केदारनाथ जी के लिए फूल भी संग्रह कर लिया है जो कि हमें रास्ते में ही मिल गया था। तो चलिए, अभी हमें 300 से 400 सीढ़ी फिर पहाड़ के ऊपर जाना है। तो जो पहाड़ आप सामने देख पा रहे हो, हम वही पहाड़ में चढ़ने वाले हैं और वही है केदारनाथ धाम। तो चलिए चलते हैं। ठाकुर जी की कृपा से इस वृंदावन धाम में ही हम चारों धाम को दर्शन कर पा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हम आ गए हैं केदारनाथ मंदिर में। तो सबसे पहले हम मंदिर को दर्शन बाद में करेंगे, पहले हम पहाड़ पर जाएंगे और वहाँ केदारनाथ जी को दर्शन करने के बाद नीचे मंदिर दर्शन करेंगे। तो ऊपर चलते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। तो हम आ गए हैं केदारनाथ मंदिर में। तो आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर कितना दूर दूर सीढ़ी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओ माता जी, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। माता जी एक छठ से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमरा चले से केदारनाथ पर्वते আর যাচ্ছি ওপরে। এখনো প্রায় 300 সিঁড়ি ভাঙতে হবে, তারপরে আমরা যাব ওপরে। বারো কিলোমিটার হেঁটে এসে এই সিঁড়ি ভাঙা সত্যি বড় কষ্টকর। রাধে রাধে মাতাজি, রাধে রাধে। থাকে চলিয়ে, आपके पास समय बहुत है, रुक रुक के चलना। समय बहुत है। तो ये देखिए, हम आ गए हैं बहुत ऊपर, बस और कुछ ही दूर, इसलिए चलना है। हरे कृष्णा। तो ये देखिए, हम आ गए हैं केदारनाथ धाम पर। 400 सीढ़ी पार करके अभी भी बहुत ज्यादा लाइन है यहाँ, और यहाँ एक एक भक्ति दर्शन कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा गली है। माता जी आइए। बस हमारी मम्मा कहाँ खो गई हमें नहीं पता। तो चलिए, ये देखिए हमारे केदारनाथ जी कितने ऊपर हैं। हरी बोल। ये आदि केदारनाथ जी हैं, इन्हें दर्शन करो या वो केदारनाथ को फल एक ही प्राप्त होता है। यही है वृंदावन का अपार महिमा। हरे कृष्णा राधे राधे। अब हम आ गए हैं केदारनाथ मंदिर में। तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ मंदिर। पीछे भी कितने भक्त दर्शन हो गया ना। वाह,
तो ये बहुत ही ऊपर है, हम 300 सीढ़ी पार करके ऊपर आए हैं और वहाँ जो लाइन आप देख रहे हैं वहाँ एक सिंगल इंसान ही घुस सकता है क्योंकि वहाँ एक छोटा सा गुफा है, तो इसलिए सिंगल करके करके ही हमें जाना है। चलते हैं और दर्शन करते हैं। राधे राधे, हे गोपीनाथ, राधे राधे, जाओ जाओ बाबा जाओ, हरि बोल। देखिए इस गुहा में हमें घुसना है लेकिन सोकर, और ये देखिए यहाँ से केदारनाथ का कितना सुंदर दर्शन है। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हम निकल जाके हेलो बाहर करू हरि बोल। हर हर महादेव, माता जी बारे हर हर महादेव, नाम दीता मैंने आज हमें बहुत ही ज्यादा चलना है, तो पहले तो हम बद्रीनाथ से आ गए केदारनाथ जो कि 12 किलोमीटर का जर्नी था, और उसके बाद हम यहाँ 300 सीढ़ी चढ़कर पहाड़ के ऊपर आए, केदारनाथ जी को दर्शन किया। उसके बाद हमें फिर से शायद 5-6 किलोमीटर चलना है, उसके बाद फिर से हमें वहाँ 150 से 200 सीढ़ी चढ़ना है चरण पहाड़ी के लिए। चरण पहाड़ी में है भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह, तो उसी चरण चिन्ह को हम दर्शन करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम अभी नीचे जा रहे हैं और चरण पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो वो जो दूर आपको शायद दिख रहा होगा ये है चरण पहाड़ी, यहाँ पर हम जाने वाले हैं। चलिए चलते हैं आसानी से। ये लो, नहीं लाठी के मदद से चलो, ये नाव इतने ही बहुत तकलीफ होगी सही में। देखो ये रखने से पहले ऐसा करना है, कल मैंने एक टोपी खरीद, परसों टोपी खरीदा, ठीक है। यहाँ देखिए केदारनाथ मंदिर में यहाँ पालकी भी है जो लोग ऊपर चढ़ नहीं सकते उनके लिए। तो यहाँ हम निकल चुके हैं केदारनाथ से,
उसके बाद अभी हम जाने वाले हैं चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का चरण चिन्ह है पहाड़ के ऊपर। वहाँ भी हमें 200 सीढ़ी पार करके जाना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को दर्शन करने के लिए। आज एकादशी है और सबसे ज़्यादा आज ही चलना है, लेकिन कर क्या सकते हैं, तो चलिए चलना है। अभी भी शायद 5 से 6 किलोमीटर चल के हमें चरण पहाड़ी 200 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है और उसके बाद फिर से हमें 4-5 किलोमीटर चलना है। तो देखिए मित्र, वृंदावन का परिवेश कितना सुंदर है। रास्ते में चलते चलते हमें ढेर सारा मोर का दर्शन भी हुआ है। तो चलिए अब हम आ गए हैं गांव के अंदर। राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ राजस्थान के अंदर से। पहले हमने केदारनाथ जी को दर्शन किया, उसके बाद अब हम जा रहे हैं चरण पहाड़ी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अपरूप सा चरण हम दर्शन कर पाएंगे। राधे राधे। तो ये है ब्रज की कुंज गलिया। फोटो खींचे क्या? राधे राधे। अगर हम से भगवान को दर्शन करेंगे तो कैसे चलेगा? ब्रज का जो कुंज गली है उसे भी तो दर्शन करना है ना, और साथ ही ब्रजवासी भी। राधे राधे। राधे राधे भैया। चित्रा सखी, अभी सबसे लास्ट में उनका ही बर्थडे आया था ना। राधे राधे। राधे राधे। चलो स्माइल तो करो, कितना अच्छे से देखने में हो तुम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैया। राधे राधे मैया। अभी भी लगता है राजस्थान में जल की कमी है। आज से 5 साल पहले आए थे तो भी जल की कमी थी, और अभी भी, लेकिन रास्ते में पूरा जल जल है। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम निकल चुके थे केदारनाथ धाम के लिए। पहले कल तो हम बद्रीनाथ धाम में थे, और आज हमारा 30 से 32 किलोमीटर का जर्नी है। तो सबसे पहले हमने तो 15 किलोमीटर जर्नी समाप्त किया, उसके बाद हमने केदारनाथ जी को दर्शन किया। 300 सीढ़ी तोड़कर ऊपर गए थे केदारनाथ जी को दर्शन करने। उसके बाद अभी फिर से हम 6 से 7 किलोमीटर ऊपर चले, और चलने के बाद फिर से हम आ गए हैं अभी चरण पहाड़ी में। तो चरण पहाड़ी में आकर हमें यहाँ भी 200 सीढ़ी लांघकर जाना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण के चरण को दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। ऊपर है मंदिर भगवान जी का, तो ये देखिए अभी भी 200 सीढ़ी है। तो चलिए 200 सीढ़ी लांघकर अभी हम जाएंगे भगवान के मंदिर को दर्शन करने, भगवान के चरण चिन्ह को दर्शन करने। अगर हो सका तो आपको भी दर्शन कराएंगे। राधे राधे। तो चलिए आ गए हैं, और थोड़ा सा ही है, सारे भक्त आ रहे हैं पीछे। तो चलिए चलते हैं। हरि बोल।
तो अभी हम आ गए हैं चरण पहाड़ी में, तो लोग चरण पहाड़ी भगवान श्री कृष्ण चरण दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। अभी हम आ गए हैं ठाकुर जी के चरण पहाड़ी में। राधे राधे। चरण पहाड़ी दर्शन करके अब हम जा रहे हैं नीचे, और अब हम जाएंगे काम में। भान भी हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राधे राधे। तो ये देखिए हम अभी कितना सीढ़ी, पहले चढ़ो फिर उतरो। तो चलिए चलना है ठाकुर जी के चरणों को दर्शन करके। जीवन धन्य हो गया। हरी बोल। और जितना भी थकान था वो दूर हो गया। परिक्रमा समाप्त करके हम पहुंच गए हैं अपने टेंट में काम्य वन में। तो यहाँ हम रहने वाले हैं 3 दिन, क्योंकि काम्य वन में दर्शनीय स्थान बहुत है। तो एक दिन हम काम्य वन का जो बाहर है वो परिक्रमा करेंगे, एक दिन हम काम्य वन के अंदर जो सारा मंदिर है वो सब दर्शन करेंगे। तो चलिए अभी तो हम पहुंच गए हैं अपने टेंट में, तो टेंट में जाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि आज जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया आज 30 किलोमीटर का जर्नी था। तो 30 किलोमीटर चल के सच्ची हम बहुत ही ज़्यादा आज थक गए थे, ऊपर से आज दो दो पहाड़ भी चढ़ना पड़ा। तो चलिए पहले टेंट में जाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। वृंदावन का बहुत सा वीडियो अभी भी हमारे पास है, जो हम आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके दर्शन कराते हैं और कराएंगे, ताकि आप भी वृंदावन परिक्रमा का जो महा आनंद है वो ले सके। तो चलिए चलते हैं, आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल। और साथ ही आप सबको हमारा दर्शन कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्रेम से बोले राधे राधे। जय जय वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। राधे राधे।